आज हम बनाएंगे गुजरात की बहुत ही फेमस डिश खांडवी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। और इसमें तेल भी ना के बराबर ही यूज़ होता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए खांडवी बनाने की रेसिपी को शुरू करते हैं। खांडवी बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 1 कप जितना बेसन और इसमें डाल देंगे हम 1/2 चम्मच जितना अदरक का पाउडर। आप इसकी जगह अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जितना नमक और 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे शक्कर का पाउडर। शक्कर यहाँ पर ऑप्शनल है लेकिन इससे खांडवी में अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जितना हम हरी मिर्च का पेस्ट। सभी चीज़ों को बेसन में अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसमें डाल देना है 1 कप दही। 1 कप बेसन में हम यहाँ पर 1 कप दही डालेंगे और अब इसमें डाल देंगे 1 कप जितना हम पानी। और अब सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसका एक गाढ़ा सा बैटर बनाकर हम रेडी करेंगे। हमें इसके बैटर को ना ज़्यादा पतला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, इसलिए हम इसमें 1 कप जितना और पानी डाल देंगे। टोटल हमने यहाँ पर 2 कप पानी इसमें डाला है। और अब इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर। हल्दी से खांडवी में बहुत अच्छा कलर आता है। अब सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से फेंट कर एक लम फ्री बैटर बनाकर इसका रेडी करेंगे। अगर बैटर में थोड़े से लम्स हो तो आप इसे एक बार मिक्सर में भी चला सकते हैं जिससे इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे। आप इसे कढ़ाई या फिर पैन में भी बना सकते हैं। अब इस बैटर को हम कढ़ाई में डाल देंगे और अब गैस को ऑन कर देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट पकने के बाद ये इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा और बैटर हमारा जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है जिससे इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। मीडियम फ्लेम में हमें इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से पकाना है और जब 4 से 5 मिनट बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो जाए तब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। खांडवी बनाने के लिए हमारा एकदम परफेक्ट बैटर बनकर रेडी हो चुका है। हमें यहाँ पर बैटर को बिल्कुल भी ठंडा होने नहीं देना है। और अब यहाँ पर हम इस तरह से स्टील की कोई थाली या फिर कोई प्लेन हम प्लेट ले लेंगे और उसमें हम बैटर को इस तरह से रखेंगे और इसे हम इस तरह से फैलाएंगे। जितनी बड़ी यहाँ पर प्लेट है आप उतनी क्वांटिटी में बैटर को ले सकते हैं। बस आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप बैटर को स्प्रेड करें तो बैटर एकदम गर्म हो। खांडवी 2 तरह की बनाई जाती है, प्लेन खांडवी और स्टफ खांडवी। स्टफ खांडवी बनाने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से ग्रेट किया हुआ नारियल ले लेंगे। आप इसमें फ्रेश नारियल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सूखा वाला नारियल भी ग्रेट करके उसे डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें बारीक कटे हुए हरे धनिए के पत्ते डाल देंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट तक ड्राई होने के लिए रखेंगे। 3 से 4 मिनट बाद जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए तब आप इसे इस तरह से टच करके देख सकते हैं और जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तब हम इसे चाकू से इस तरह से काट लेंगे। इसे हम बराबर टुकड़ों में काट लेंगे और उसके बाद हम एक कोने से इसे रोल करते जाएंगे। हमें इसे थोड़ा सा टाइट रोल करना है जिससे इसके अंदर की स्टफिंग बाहर ना निकले और ये खुले भी ना। आप देख सकते हैं हमारी खांडवी बहुत ही अच्छे से रोल हो चुकी है। इसी तरह से हम सारी खांडवी रोल करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 तरह की खांडवी बनाई है, एक स्टफ़ वाली और मैंने यहाँ पर प्लेन वाली खांडवी भी बनाई है। यह आप देख सकते हैं ये प्लेन वाली खांडवी है और ये स्टफ़ वाली खांडवी है। हमारी खांडवी बनकर रेडी है। अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। 2 छोटे चम्मच हम तेल डाल देंगे, उसमें 4 से 5 हम करी पत्ते डाल देंगे, 2 लाल मिर्च डाल देंगे और इसमें हम 1/2 चम्मच जितना राई डाल देंगे, 1 चुटकी इसमें हींग डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तड़का हमारा रेडी है और अब हम इस तरह से खांडवी में तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के बाद खांडवी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। हमारी खांडवी बनकर रेडी है। आप इसे पुदीने की खट्टी मीठी हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, उससे बहुत ही लाजवाब लगता है ये खाने में। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।